जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हमारी जितनी भी YouTube फैमिली है, सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी के साथ ही अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 टैरो। आज हम एक बड़े अच्छे से टॉपिक पे रीडिंग लेकर आए हैं। सबको जानना होता है, हम जिसके साथ रिश्ते में हैं, हम जिसे इतना प्यार करते हैं, हम जिसे अपनी ज़िंदगी मान बैठे हैं, क्या उसके साथ कोई फ्यूचर है? क्या उसके साथ कोई भविष्य है? क्या आने वाले फ्यूचर में हम दोनों साथ हो पाएंगे, हम दोनों एक हो पाएंगे? क्योंकि हर कोई जब किसी से मिलता है, उसे प्यार होता है, तो सबसे पहले उसे फ्यूचर की टेंशन होती है कि क्या फ्यूचर में हमारा साथ लिखा है। तो आज हम आपको इस रीडिंग में यही बताने वाले हैं कि क्या आप दोनों का फ्यूचर है, क्या आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे। देखते हैं, जिनको भी सोचकर आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग उनसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए, एक ऑप्शन चूज करिए, मन ही मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। ठीक है, फिर आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि ये रीडिंग मुझसे मैच नहीं करती, मुझसे रेजोनेट नहीं करती, तो थोड़ी समझदारी दिखाइए। ये जनरल रीडिंग है, इसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग एनर्जी है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। ठीक है, तो समझदारी दिखाइए। हाँ, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और हमें इतना 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 सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। हमारी हर प्रार्थनाओं में, हर दुआओं में हम आप सबके लिए यही ईश्वर से मांगते हैं कि हम जितना हो सके आप सबको ब्लेसिंग दें, और यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि वो आपको ब्लेसिंग दें, आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर कर दें, आप हमेशा खुश रहें। लव यू ऑल, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आपके घर पे सब लोग कैसे हैं? क्या चल रहा है ज़िंदगी में? हम तो हमेशा यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अब आप हमें बताइए कि कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 टैरो में। हमारे स्पिरिचुअल लव, आध्यात्मिक प्रेम की दुनिया में आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। डियर, क्या आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे? क्या आप जिनके साथ अभी रिश्ता महसूस कर रहे हैं, जिनके साथ रिश्ते में हैं, क्या आप इनके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं? क्या इस रिश्ते का फ्यूचर है? क्या होगा आगे चलकर? ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर, थोड़ी सी बात पहले आपकी करते हैं हम। ठीक है, आप एक हायर लेवल की सोल हैं, आपने हर एक रीडिंग में सुना होगा हायर लेवल की सोल है। क्या होता है ये हायर लेवल की सोल? 3 तरह की आत्माएं होती हैं, एक उच्च स्तर की, एक मध्य स्तर की, एक निम्न स्तर की।
एक लो लेवल की, एक मीडियम लेवल की और एक हाई लेवल की। तो अपना हाई लेवल की सोल है। हाई लेवल की सोल वो होती है जिसने कई जन्म ले रखे हैं, जो बहुत पुरानी आत्मा है, ओल्ड सोल, जिसने बहुत अनुभव प्राप्त किए हैं कई जन्मों में, बहुत कुछ सीखा है, जिसके पास ज्ञान का भंडार है, आप वो हैं। कहीं ना कहीं दैवी शक्तियां आपकी रक्षा करती हैं और आपका मार्गदर्शन भी करती हैं। आप ना बहुत जैसे कि इनर जर्नी करने वाले इंसान हैं, अपने आप में लीन रहना, जैसे कि आप जैसे खुद को बहुत अच्छी तरीके से जानने लगे हैं, मैं क्या हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत अंतर्मुखी टाइप के व्यक्ति हैं। हो सकता है कि आपको ज़्यादा बाहर की दुनिया में घूमना घामना पसंद ना हो, खुद के साथ रहना पसंद है, सेल्फ लव करना पसंद है, नेचर के बीच रहना पसंद है, इस तरह की चीज़ें हैं आपके अंदर। लेकिन आजकल आप बहुत स्ट्रेस में हैं, भुलाना चाह रहे हैं किसी को पर भूल नहीं पा रहे हैं। तो बस वो जो आपके दिल दिमाग में नाच रहा है, अब आप ये जानना चाहते हैं ये क्यों मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है, क्या सच में इसके साथ कोई फ्यूचर है मेरा, क्या हम फ्यूचर में एक हो पाएंगे। देखिए डियर, आपने एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम किया है जो आपके लेवल का ही नहीं है, आपकी आत्मा का स्तर ही उससे मैच नहीं करता, आप दोनों का मैच्योरिटी लेवल ही मैच नहीं करता, किसी तरह से भी वो व्यक्ति आपके हिसाब का नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन सोल कनेक्शन भी फील करते हैं, समझ सकते हैं, पर अभी तो सेपरेशन चल रहा है। दिल पे हाथ रखिए, इस व्यक्ति ने कितनी बार आपको हर्ट किया है, कितनी बार आपको चीट किया है। डे वन से आप इनसे दिल से जुड़े रहे और ये सिर्फ और सिर्फ आपसे फिजिकली अट्रैक्ट थे। यार अपने अट्रैक्शन के लिए दुनिया क्या से क्या कर जाती है, इनको नॉर्मली अटैचमेंट रहा आपसे, अट्रैक्शन रहा आपसे। जिस प्यार की परिभाषा आप जानते हैं ना, जिस प्यार की आप बात करते हैं, ये जिस प्यार की उम्मीद आप रखते हैं ना, वो प्यार इन्हें आपसे कभी हुआ ही नहीं है। हाँ, और पता है इस रिश्ते में ना, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, थर्ड पार्टी, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, कार्मिक, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इन्होंने पहले भी कई बार आपको धोखा दिया है, आपने माफ़ किया, क्योंकि जब इंसान किसी से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वो उसे खोने से डरता है, और जब उसे खोने से डरता है तो उसे हर हाल में माफ़ कर देता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब इसने माफ़ी मांग ली, शायद अभी सुधर जाएगी, सुधर जाएगा, शायद अब ये पहले की तरह कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगा, एक चांस देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए। आपने ने कई चांस दिए, आपने ने कई मौके दिए हैं, कुछ दिनों बाद फिर से चीज़ें वहीं की वहीं, कुछ दिनों बाद फिर से चीज़ें वहीं की वहीं। कितनी बार तो तोड़ा इन्होंने आपको, और कितनी बार आपने इन्हें माफ़ किया, और आप अभी भी होप लगाए बैठे हैं कि इनके साथ आगे चलकर कुछ हो सकता है क्या। माना कि आप दिल से चाहते हैं, और दिल से चाहने वाला व्यक्ति, आत्मा से चाहने वाला व्यक्ति इतनी जल्दी किसी को भूल नहीं पाता, पर एक बात बताइए, हाथ रखिए अपने दिल पे और गहराई से सोचिए, जो अब तक इन्होंने किया है आपके साथ, धोखा, थोड़ी थोड़ी बातों पर बेइज्जत करना, रेस्पेक्ट ना देना, अपनी मनमानी करना, सिर्फ खुद का कंफर्ट जोन देखना, सिर्फ खुद की खुशियों के बारे में सोचना, आप बिना कहे इनके जज्बात पढ़ लो, पर ये कहने पर भी आपकी ना सुने,
क्या ऐसा व्यक्ति आप डिजर्व करते हैं, क्या ऐसा व्यक्ति आप पूरा जीवन अपने साथ रखना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ आप जीना चाहते हैं, क्या ऐसा व्यक्ति आपके लायक है, लगता है आपको, बताइए। अब देखो, अगर यहां तक रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो डेफिनेटली आगे की रीडिंग आपकी है, वरना नहीं है। आपका उद्देश्य दूसरा है। अब हो सकता है कि इधर काफी लोग कहें कि दीदी हम ट्विन सोल जर्नी में हैं। हाँ, मानते हैं आप ट्विन सोल जर्नी में होंगे, पर अभी ये अपने किए गए कर्मों के तले, कर्मों के अंधकार के तले इतना दबा हुआ है व्यक्ति कि आपको समझने में अभी इसे एक जन्म और लेना पड़ेगा। आपके स्तर पर, आपके लेवल पर नहीं है ये। पता है यहाँ पर चीजें आपके ऊपर हैं, क्योंकि आप एक स्वतंत्र आत्मा हैं, एक स्वतंत्र, एक फ्री विल हैं आप। बहुत कर्मों का बोझ लेकर पैदा नहीं हुए आप धरती पे कि भाई भुगतने ही पड़ेगा, भाई भुगतने ही पड़ेगा। कॉपी और पेन आपके हाथ में है, लिखना चाहते हो इन्हें अपनी डेस्टिनी में, लिख लो। अब आप कहोगे कि अगर मैं इसे डेस्टिनी में लिख सकती हूँ, लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इसे सुधार नहीं सकती, सुधार नहीं सकता, क्या ये बदल नहीं सकता? अरे कैसे बदल जाएगा? उसके कर्मों के कारण आप दुख पाओगे। आप अपनी अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो, दूसरे की नहीं। और आप अगर, एक होता ना कि किसी दुखी व्यक्ति के साथ आप रहोगे, वो दिन भर दुख भरी बातें करेगा, दिन भर डीमोटिवेट होने वाली बातें करेगा, तो आपकी एनर्जी कैसी होगी? किस एनर्जी में जाओगे आप? उसकी एनर्जी में जाओगे ना आप। एक व्यक्ति दिन भर हंस रहा है, हंसा रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, आप किस एनर्जी में रहोगे? उसकी एनर्जी में ना, पॉजिटिव वाली एनर्जी में। तो आप कहो कि नहीं, मैं उसको सुधार लूंगी, मैं उसको बदल दूंगा, मैं ये वो, तो आपकी इच्छा है यहाँ पे। यहाँ पर पता है टोटली आप पर डिपेंड है। आप अगर चाहते हो इनके साथ एक होना, आप इन्हें मैनिफेस्ट करोगे, आपको मिल जाएंगे, आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट करते हो तो। लेकिन आपको सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको सुख मिलेगा, आपको खुशियां मिलेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता तो झूठ की बुनियाद पे शुरू हुआ है, झूठ पे शुरू हुआ है, झूठ पे ही खत्म भी होगा ये। आज हो सकता है कि आप मुक्त हो इनसे, आज हो सकता है कि आपके पास और भी रास्ते हैं, लेकिन कल जब आप इनका हाथ थामकर परमानेंट इनके हो जाएंगे ना, तब आपके पास दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं होगा। आज रास्ते हैं, पर कल रास्ते नहीं होंगे, कल सिर्फ दर्द होगा, तकलीफें होंगी, क्योंकि जब कोई किसी के लिए बहुत एफर्ट लगाता है तो उम्मीदें भी उतनी ज़्यादा ही करता है। हाँ, आपका जिगर अगर इतना बड़ा है कि मैं प्यार करूँ और ये मुझे मारे तब भी चलेगा, तो फिर ठीक है। मैं प्यार करूँ और ये मुझे चीट करे तब भी चलेगा, तो हाँ फिर चलेगा, हाँ तो फिर ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर कहना चाहते हैं, इसके पहले कि आप जिंदगी भर रो, अपने प्यार को अपने तक सीमित रख लो, अपने प्यार को फ्रेंडशिप तक सीमित रख लो। शादी तक गए ना तो जिंदगी बर्बाद है, चाहे आपका ट्विन ही क्यों ना हो, शादी मत करना। और पता है, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो, सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दो। अगर इनके कर्मा क्लियर हो गए तो हो सकता है कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, वरना आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, और चाहोगे भी ना तो कहीं जा नहीं पाओगे, चाहोगे भी तो निकल नहीं पाओगे, झूठ 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 झूठ, वही बात होगी कि दिया तले अंधेरा। बात तो बहुत रोशनी की होगी, बात तो प्रकाश की होगी, लेकिन रियलिटी क्या होगी वो आपको ही पता होगा। और ये इंसान आगे भी आपको चीट करेंगे,
क्योंकि हमने सबसे पहले ना यहाँ पे फ्यूचर ही देखा है कि क्या होगा इन दोनों का फ्यूचर, क्या फ्यूचर में इंसान बदल सकता है, क्या फ्यूचर में इंसान सुधर सकता है? ना, बिल्कुल भी नहीं, नहीं सुधरेगा ये, नहीं बदलेगा ये। उसको उसकी गलतियों का ढंग से एहसास ही नहीं होता है। दावे करता होगा प्यार करने के, दावे करता होगा केयर करने के। आप भी अंदर ही अंदर सोचते होंगे कि क्या करूं, इसके साथ आगे बढ़ूं, इसको एक्सेप्ट करूं, या फिर इसको मैनिफेस्ट करूं, या फिर ना करूं, या फिर किसी और के साथ आगे बढ़ूं। देखो, हम ये नहीं कहते किसी और को भी देखो, किसी को भी मत देखो, सब उन पर छोड़ो। ये नहीं कि इनको छोड़ दिया तो दूसरा पकड़ लिया, दूसरा छोड़ दिया तीसरा पकड़ लिया, कब तक पकड़ते रहोगे, यही करोगे क्या जिंदगी भर? नहीं ना, ये पकड़म पकड़ाई खत्म करो, लुक्का छुपी बस खत्म। अब लेट गो करो, इससे पहले कि जीवन भर का अफसोस हो जाए, जीवन भर का गिल्ट लेके आप जिंदगी जियो, लेट गो करो इस एनर्जी से। और इनसे कोई भी होप मत रखो, इनसे किसी भी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। जितनी उम्मीदें करोगे उतनी तकलीफ मिलेंगी, ये बात पक्की है। तो अब ज्यादा उम्मीद मत करो इनकी, चाहोगे अगर तो ये मिल जाएंगे। सहन शक्ति कितनी है उसको चेक कर लेना पहले, कि मैं कितना सह सकती हूँ इन फ्यूचर में, कितना सह सकता हूँ। बस ये आप पे डिपेंड है। अभी पता है इनकी एनर्जी कैसी है, अभी हम देख रहे हैं पे सेपरेशन की स्थिति है, ठीक है, धोखा मिला है। ये इंसान बहुत रूड है, जो बात बोलने में आप 10 बार सोचते हैं ना, ये बिना सोचे बोल देता है। क्योंकि आप सोचते हैं, आपको लगता है कि भाई अगर मैंने ऐसा बोला तो सामने वाला हर्ट हो सकता है, सामने वाले को बुरा लग सकता है, ये नहीं सोचते, ये नहीं सोचते, ये बेइज्जत करने से पहले एक बार नहीं सोचते, ये कुछ भी कहने से पहले एक भी बार नहीं सोचते। क्यों सोचना है, उतना सेंस ही नहीं है कौन सी बात बोलनी चाहिए कौन सी बात नहीं बोलनी चाहिए। और इनकी वजह से आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, दिन रात इनको स्टॉक कर रहे हैं आप, हाँ, कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसने क्या किया क्या नहीं किया। आप इनको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं रहे, निकाल ही नहीं पा रहे हैं, आप भूल गए अपने आप को। सोचिए, सोचिए पहले क्या हुआ करते थे आप, ऐसे ही थे आप पहले? शक्ल देखिए आपने अपनी कैसी हो गई है, चलो आईना उठाओ देखो जरा, ऐसे थे क्या पहले आप? ऐसे तो नहीं थे आप पहले, इनके चक्कर में आप बन रहे हैं ऐसे, और जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये ट्विन सोल जर्नी भी है तो एक तरफा प्रेम जारी रखो, उम्मीद मत करो, और ज़्यादा से ज़्यादा साधना करो, समझ रहे हो? आध्यात्मिक आत्मा हो आप, दूसरों की बातों में आकर इतना खुद का दिमाग खराब मत करो, इतना स्ट्रेस मत लो। हम तो यही कहेंगे, हमारी सलाह आपके लिए यही है कि हम इनके साथ आपका फ्यूचर अच्छा नहीं देख रहे हैं, फ्यूचर खराब हो जाएगा तो काहे का फ्यूचर? जिंदगी भर रोना पड़े, जिंदगी भर सर पटकना पड़े, जिंदगी भर धोखे मिले, सामने वाले को एहसास ना हो उसकी गलती का, तो ऐसे रिश्ते को तिलांजलि देनी चाहिए, ऐसे रिश्ते को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, ठीक? आत्मिक सुकून नहीं खोना है किसी भी कीमत में। और जो करने आए हो ना इस धरती पे, उसको खोजो, आपके अंदर ही छुपा हुआ है। कुछ लोगों का अपना आत्मिक उद्देश्य ही पता नहीं होता कि मैं इस पृथ्वी पर किस उद्देश्य से आया हूँ, मेरा आत्मिक उद्देश्य क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है। लाइफ पर्पस तो कोई भी बता देता, माता पिता बता देते, बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, अच्छा इतने पैसे कमाने हैं, बिजनेस संभालना है,
माता पिता ने बता दिया, बहुत पैसे कमाने तुम्हें, ये इंसान के जीवन का उद्देश्य हो जाता है, लाइफ पर्पस बना लिया उसने, नेम फेम फलाना ढिमकाना ये सब कुछ। पर वो भगवान से क्या वादा करके आया है वो उसे याद नहीं रहता, वो इस धरती पर एक्चुअल में क्या करने आया है वो उसे याद नहीं रहता। उसे याद करिए आप, उसे आप याद करिए, समझ रहे हैं ना? क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे आप फिर से खुद को जानेंगे, आप अंतर्मुखी बनिए, आप खुद को जानेंगे तब आपको रास्ता दिखाई पड़ेगा, तब आपको आपका सोल पर्पस नज़र आएगा। इन पर तो आप आंख बंद करके कभी ट्रस्ट भी मत करना, ये कुछ भी बुरा कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी लेवल तक गिर सकते हैं ये, इतना समझिए। तो भगवान भी चाहते हैं थोड़ी अवेयरनेस लाओ अपने अंदर, थोड़ा जानो खुद को, जगाओ खुद को, समझाओ खुद को। और अगर आप कहते हैं कि नहीं वो मुझे हर हाल में चाहिए, तो आप मैनिफेस्टेशन करना शुरू करिए, यही आपका फ्यूचर बनेंगे। अब आप मैरिड हो अनमैरिड हो, जैसा भी आपका कनेक्शन है, एज डिफरेंस इशू हो, जैसा भी, ये इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत रूड है, ठीक है, बहुत ईगोस्टिक है और बहुत ज़्यादा मन चला इंसान है, मतलब अपने मगन रहने वाला। इनको हर तरह के ऐशो आराम चाहिए, हर तरह से ऐशो आराम फरमाने वाले इंसान हैं ये समझ लो। हो सकता है कि ये चाहते हैं कि लाइफ बहुत शॉर्टकट तरीके से स्टेबल हो जाए, मतलब बहुत मेहनत ना करनी पड़े, सब कुछ मिल जाए, कुछ ऐसा, इस तरह की इनकी सोच रहती होगी। घूमना फिरना खाना पीना मौज मस्ती ये सब इनका है, और जब बोलने पर आते हैं तो फिर जहर उगलते हैं सीधे, और ये जहर खाने के लिए अब तैयार है। तो इनको मैनिफेस्टेशन मतलब इनको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए, मैनिफेस्टेशन के बल पर आप इनको पालेंगे। देखो अगर ट्विन सोल कनेक्शन है तो आत्मिक लेवल पर ये जुड़े हैं आपसे, पर ये आपके लिए सही नहीं है। कुछ लोग होता है ना कि प्यार है, मानते हैं प्यार है, पर वो इंसान सही नहीं है, फ्यूचर में जो होगा वो सही नहीं होगा, वो बस ज़िंदगी भर रोने जैसी बात हो जाएगी, बाकी चीज़ें आप पर डिपेंड हैं। इधर चलिए डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। किसी महीने की 7 तारीख हो सकती है, 8 तारीख, 16 तारीख, 5 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 12 तारीख, ठीक है। बर्थ मंथ बताते हैं इनका मई, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, जनवरी, अप्रैल। इनिशियल सी ओ पी आर एस जी यू आई बी के वी वाई टी, ठीक है, ये है इनिशियल। डियर इनके साथ आपका कोई फ्यूचर अच्छा नहीं है, इस रिश्ते का कोई अच्छा फ्यूचर नहीं है। अब आप में, अगर आप में हो सहन शक्ति तो आप अपने आप फ्यूचर बनाने के लिए ध्यान साधना मेडिटेशन सब शुरू कर सकते हैं। फिर भी प्यार की, सुख की, खुशियों की, रेस्पेक्ट की इनसे कोई उम्मीद मत करना, क्योंकि ये जिस कर्म तले दबे हैं ना उसमें उससे निकलने में, आपके लेवल की अंडरस्टैंडिंग आने में इनमें बहुत समय लग जाएगा। अगर आपको तिल तिल करके मरना हो तो बिल्कुल आप इनको मैनिफेस्ट करिए, और खुशी से जीना हो, अपना प्यार दूर से ही चलाना हो, दोस्ती रखो पर इतना डीप लेवल का नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाओ। जिस एनर्जी में आप हैं वो हम देख पा रहे हैं, इस वजह से हम आपसे कह रहे हैं। अगर आप ऐसे चलाना चाहो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है भाई। सच्चा प्यार पास रहने का, साथ रहने का मोहताज थोड़ी होता है, नहीं है मोहताज। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो, ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर सदैव आपका मार्गदर्शन करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा मार्ग ना भटके, पर बाकी सब कुछ तो बच्चे पे डिपेंड है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए,
कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिन्हें बहुत पसंद करते हैं, क्या उनके साथ आप फ्यूचर में एक हो पाएंगे? क्या उनके साथ कोई फ्यूचर है? क्या कोई भविष्य है? क्योंकि अक्सर मन में इसी बात का डर लगा रहता है कि रिश्ते तो आगे बढ़ा लिए जाएं, लेकिन पता चला फ्यूचर में कोई कहे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो वो चीज़ दुखदायी हो जाती है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे। हाँ, कितने चांसेस हैं कि आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाए? अच्छा, स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर, सबसे पहले हमें रिश्वत दे दीजिए। हाँ जी, अब इतनी पॉजिटिव रीडिंग है, हाँ, तो रिश्वत तो बनती है ना। मतलब कि बिना मुंह मीठा कराए आप गुड न्यूज़ सुनना चाहते हैं, ये तो बहुत गलत बात है, तो घोर अपराध है। चलिए, जल्दी से पहले रिश्वत दीजिए। और रिश्वत में हमें आपका एक कमेंट चाहिए। कमेंट बॉक्स में हमसे प्रॉमिस करिए कि ज़िंदगी की कोई भी सिचुएशन हो, आप कभी हार नहीं मानेंगे, आप कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे, आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी दिन एक जैसा नहीं रहता, परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बदलती हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बस ये सोचना है कि आज जो हुआ है, ये दिन बहुत जल्दी बदल जाएंगे और अच्छे दिन भी आएंगे। ठीक है, बस ये प्रॉमिस करिए कि आप कभी कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। तो आई होप कि आपने हमें रिश्वत दे दी होगी। ठीक है, हाँ, आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे। हाँ हाँ, आपने जो बरसों से इंतज़ार किया है ना, वो इंतज़ार पूरा होगा आपका। हमें पता है आपके अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं है। वैसे आप कहेंगे इतना इंतज़ार कर लिया मैंने बिना सब्र के ही। हम जिंदगी भर इंतज़ार कर लेते, जब मंजिल करीब आने वाली होती तब सब्र नहीं होता है, होता है ना ऐसा? हम रात भर जाग लेते हैं लेकिन सुबह 4 बजे नींद आने लगती है। ऐसे ही कुछ ज़िंदगी में भी है। ज़िंदगी भर इंसान वेट कर लेता है लेकिन जब कुछ दिनों की बात होती है, कुछ घंटों की बात होती है, तब इंतज़ार नहीं होता। ऐसे ही कुछ आपका भी है। पर एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, इनको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहना, बिल्कुल बेखौफ रहना। जो आपके साथ पास्ट में हुआ है, अब वो दोहराया नहीं जाएगा। हमें पता है आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक बैड सिचुएशन से, एक दर्दनाक रिश्ते से निकले हो। आप ही नहीं, वो भी निकले हैं। दोनों ने कहीं ना कहीं बहुत तरह की चीज़ें फेस की हैं अपनी लाइफ में, नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग। अभी करेंटली हम देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद अभी दिल की बात की नहीं, अभी कही नहीं है, अभी
जैसे आपको अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है और कहीं ना कहीं वो भी डर रहे हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि पता नहीं हम दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे कि नहीं, पता नहीं इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है कि नहीं। तो डियर 1000% इस रिश्ते का फ्यूचर है, आप दोनों एक हो पाओगे, आप हो ही इतने अच्छे, आप हो ही इतने अच्छे, और आपको पाकर तो इनके मन में इतना ग्रेटिट्यूड है कि हम आपको क्या बताएं। पास्ट लाइफ का कनेक्शन महसूस कर रहे हैं ये बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहते कि कुछ भी हो इधर उधर और हम कैसे भी अलग हो जाएं। नहीं, अलग नहीं होना, अब अलग नहीं होना, अब नहीं होना किसी कीमत में। बस इनके मन में यही कि कितनी जल्दी हो जाए, कितनी जल्दी हो जाए। इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, उस हिसाब से एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूँ, लेकिन अब गाना मत गाया करो। हाय, कितनी बुरी बात कह दी ना। अच्छा, रीडिंग हम अच्छी करते हैं, हम बोलते अच्छा हैं, आप हमारे सारे वीडियोस देखते हैं, वो सब आपके लिए होता है, गाना हम अपनी खुशी के लिए गाते हैं। अब हम अगर अपनी रीडिंग को हम काम की तरह देखेंगे ना, तो ये हमारे लिए एक बोझ जैसा हो जाएगा, बर्डन जैसा हो जाएगा। अगर रीडिंग आपकी खुशी है तो सिंगिंग हमारी खुशी है ना। सिंगिंग करके ना हम एनर्जेटिक फील करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप में से कुछ ही लोग आप जैसे होंगे जो पता नहीं किस ग्रह से आए हैं, जिन्हें म्यूज़िक पसंद नहीं है, जिन्हें संगीत पसंद नहीं है, जिन्हें सॉन्ग्स पसंद नहीं है। वरना जहाँ तक तो संगीत अच्छे अच्छों का दिमाग ठीक कर देता है, अच्छा महसूस कराता है। चलिए कोई ना, आप ना आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप स्किप कर दीजिए सॉन्ग को, आप वीडियो आगे कर दीजिए, ठीक, पर हमें सिंगिंग करने दीजिए, बाकी लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं ना। इनकी एनर्जी है आपके लिए, आपको अप्रिशिएट करते हुए। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां रह रह पिरोती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए।
किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तो है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। अभी फ़िलहाल इनकी ऐसी फीलिंग्स हैं। हमें लगता है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप है कुछ लोगों का, और आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, इनका साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है। इन्होंने भी कहीं ना कहीं आप जैसा इंसान मैनिफेस्ट किया था, और आप तो जब दूसरों को देखते थे ना, दूसरे कपल्स को प्यार करते हुए या फिर प्यार वाली कोई भी वीडियो, तो आपको लगता था कि काश मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा होता, काश मुझे भी चाहने वाला कोई इतना चाहने वाला होता। पर अफसोस, वो काश बहुत समय तक काश ही रहा। लेकिन कहते ना, भगवान के घर में देरी हो सकती है, पर ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको मिला। अब देखो, अगर आप बहुत सोच रहे हो, आप बहुत सोच रहे हो, तो आपका सोचना लाजमी है। आप भी सोच रहे होंगे, वो भी सोच रहे हैं, ठीक है, वो भी सोच रहे हैं, वो भी अभी कुछ मिस्ट्री बना के बैठे हुए, वो भी शायद अभी चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अंदर से उनको इस बात की श्योरिटी हो चुकी है कि आप ही हैं वो जिसे वो ज़िंदगी भर के लिए अपने हमसफ़र के रूप में चुन सकते हैं। क्योंकि आप बहुत प्योर हैं। देखो, ज़िंदगी जीने के लिए कैसा इंसान होना चाहिए? समझदार, प्योर हार्ट, मतलब जो दिल का साफ हो। लड़ाई झगड़े तो सब में होते हैं, लेकिन वो मन में कोई कसक ना रखे, वो मन में कोई जहर ना पाले। अगर उसे कुछ बुरा लगता है तो वो मुझे बताए। मतलब एक ऐसा हमसफ़र चाहिए होता है जो हर कदम पे आपका साथ दे, ना कि आपका आपके खिलाफ हो। तो आपके अंदर जो खूबियां हैं ना, वो सब इन्हें दिखती हैं। इनकी अंतरात्मा आपको बहुत पहले ही चुन चुकी है एक तरीके से, और आत्मिक लेवल का कनेक्शन महसूस करते हैं। लेकिन जो अभी ना, एक बात बहुत ज़्यादा इंट्यूशन में आ रही है कि हो सकता है कुछ लोगों का इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, हाँ, या फिर फैमिली इशू। कुछ इश्यूज तो हैं जिसकी वजह से इतना सोचना पड़ रहा है इन्हें। हाँ जी, इन्हें इतना सोचना पड़ रहा है। कभी कभी थोड़ा सा डरते हैं कि कहीं परिवार वरिवार का चक्कर, कभी कहीं और किसी चक्कर में आपको खो ना दें। बड़ी मुद्दतों से तो कोई मिला है जिसे ये अपना कह सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा डरते भी हैं। इनकी तरफ से एक शायरी है, ये आपसे कहना चाहेंगे कि मुझे करनी है मुलाकात तुमसे एक ऐसे जहान में, मुझे करनी है मुलाकात तुमसे एक ऐसे जहान में, जहाँ पर मिलने के बाद बिछड़ने का कोई रिवाज ना हो, जहाँ पर हमें मृत्यु भी अलग ना कर सके। एक ऐसे जहान में मिलना है तुमसे। अब वो जहान पता है कहाँ होता है? हमारे अंदर ही, हमारे हार्ट चक्र में, हमारी आत्मा में। क्योंकि आत्मा का ही प्रेम ऐसा होता है जो जिसे मृत्यु भी नहीं तोड़ सकती, जो मृत्यु के भी परे है, जो मृत्यु के भी पार जाता है। ये आपसे ऐसा प्रेम करना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप? इस रिश्ते का पूरा पूरा भरपूर फ्यूचर है। आप बस ट्रस्ट रखना, विश्वास रखना, ये आपके लिए हर हाल में एक्शन लेंगे, ये आपसे हर हाल में शादी करेंगे, ये समझ लीजिए। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको थोड़े से सब्र की ज़रूरत पड़ेगी और समझदारी की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, इतनी जल्दी तो एक नहीं हो पाओगे, क्योंकि एज डिफरेंस इशू भी है यहाँ पे कुछ लोगों का। फैमिली इशू तो अलग बात है, एज डिफरेंस इशू भी है,
तो लड़ाई झगड़े तो थोड़े से लाजमी हैं, वो तो होंगे होंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ इनका जानना चाहते हो कि क्या मैं उसके साथ एक हो पाऊंगी, क्या वो मेरा बन पाएगा, बन पाएगी, मतलब तो ये बात पक्की है। इसके लिए तो आप बिल्कुल भगवान के ऊपर सब छोड़ के बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आप दोनों का मिलना तय है, पक्की बात है यहाँ पे, ठीक है। इवन ये तो खुद इतनी जल्दबाजी है इनके अंदर कितनी, कि जल्दी से जल्दी हम एक हो जाए, जल्दी से जल्दी हम अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ जिए। बस कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाने दीजिए। कुछ चीज़ें कैसी हो सकता है कि एक तो देखो फैमिली मैटर है कुछ, जो कि जल्दी ही सॉल्व होगा, सब्र रखें आप, जल्दी सॉल्व होगा। और थोड़ा सा और भी कोई एक इशू है इनकी पर्सनल लाइफ में, उसे क्लियर कर दें। देखो इन्होंने ज़िंदगी में तजुर्बे बहुत ले रखे हैं, सही के गलत के, अच्छे के बुरे के, इनके जो तजुर्बे रहे, इनके जो एक्सपीरियंस, इनके जो अनुभव रहे ना, उन अनुभवों ने ही आपको चुना है। कि जब ये आपको औरों से कंपेयर करते हैं, जब जैसे लोग इनकी ज़िंदगी पहले आ चुके हैं, तो हर तरह से आपको बेस्ट पाते हैं, हर तरीके से आपको परफेक्ट पाते हैं। इसी वजह से अपनी ज़िंदगी का अंतिम से अंतिम लम्हा आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ गुजारना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। और पता है कहीं ना कहीं ईश्वर भी इसमें आपकी मदद करेंगे। और यहाँ पे पता है सोलमेट कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। ये पता है आप जो भी करो, लाइक आप कोई जॉब करो, कोई बिजनेस करो, हर तरीके से आपका सपोर्ट करेंगे। इनके अंदर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आपके अंदर भी है, बस आप थोड़े से ज़िद्दी हो, लड़ाकू हो, हैं तो ये आपकी सारी ज़िद भी पूरी करेंगे। ये मेल और फीमेल हैं, मतलब ये आपको संभाल लेंगे, आप इन्हें संभाल पाओ ना संभाल पाओ, पर ये आपको संभाल लेंगे। और ये अभी आपको मैनिफेस्ट तो करते ही करते हैं, साथ में जो इनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है ना, उसके लिए भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि जो ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है जल्दी ख़त्म हो जाए। कुछ है इनका पर्सनल इशू, या फिर कभी किसी को कमिटमेंट दिया हो, या कोई एक्स हो, होता है ना कि हमने बताया कि पहले आप दोनों का, मतलब आप दोनों ही बड़ी पेनफुल रिलेशनशिप से, पेनफुल सिचुएशन से निकले हो बाहर, ठीक है। तो होता है, हो सकता है कि ये आपके साथ आगे बढ़ गए, इन्होंने आपको चुन लिया, अब इनकी जो एक्स है वो इनकी लाइफ में आना चाह रही, इनका एक्स आना चाह रहा है, या फिर कुछ चीज़ें हैं एक्स के साथ तो उसे क्लियर करना चाहते हैं। और अगर ये मैरिड हैं और ये अपनी फैमिली में खुश नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर करके ही आपको कमिटमेंट देंगे, वहाँ पे चीज़ें क्लियर करके ही आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ऐसे दो दो तरफ ये दो नाव में पैर रख के नहीं चलना चाहते ये, इसी वजह से अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कभी आपको बुरा लगता हो, यार कब बोलेगा, यार कब कहेगी, ये कब कमिटमेंट देगी, कब सीरियस लेगी इस रिश्ते को ये, मतलब अगर आप मेल फीमेल हो जो भी हो, तो इसी वजह से अभी थोड़ा सा सब्र करिए आप, क्योंकि ये सही समय के साथ ही आपको कमिटमेंट देंगे, जिससे फिर कोई इन फ्यूचर आप दोनों की लाइफ में किसी भी तरीके का कोई इशू ना हो, समझ रहे हैं, किसी भी तरीके का। और देखो कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, और इधर अनकंडीशनल लव है, इधर कोई स्वार्थ वाली भावना नहीं है, ना आपके मन में है ना इनके मन में है। और कहीं ना कहीं आप दोनों ने ना अपना अपना कर्मा क्लियर किया है अब तक, सच बताएं, आप जिनके साथ थे आप भी कर्मा क्लियर कर रहे थे, वो जिनके साथ थे वो भी कर्मा क्लियर कर रहे थे, अब एक्चुअल में आप दोनों के खुशियों वाले दिन की शुरुआत होगी, अब ये समझ लीजिए। और बाकी हम एक बात और बताएं कि यहाँ पर कुछ लोगों की शादी बड़े धूमधाम से होगी, बड़ा सेलिब्रेशन होगा, लगता है कि फैमिली भी मान जाएगी एक एक वक्त के बाद, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस आप ना
इन्हें मैनिफेस्ट करते रहिए, भगवान से प्रार्थनाएं करते रहिए, ठीक है, सब अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर हम कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं जो कि इस चीज़ को दर्शाती हैं कि ये एक ऐसा रिश्ता नहीं जिसे आप लोगों ने जोड़ा है तो आप लोग ख़त्म कर दो कि भाई अपना नहीं चल रहा, नहीं बन रहा, बात ख़त्म। ये कनेक्शन पहले से है, पहले का रिश्ता है ये। और जो पहले के रिश्ते होते हैं, जो पास्ट लाइफ के रिश्ते होते हैं ना, उनका मिलना तय होता है। तो इधर भी आप लोगों का मिलना तय है, ठीक है। जो भाग्य चक्र है ना, वो अब चला है आपके तरीके से। अब तक आप अपना कर्मा क्लियर कर रहे थे, तो कर्मा क्लियर हो चुका है। जहाँ तक इनका थोड़ा बहुत बाकी है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। बस जल्दी ही आप दोनों एक होंगे, आप दोनों के साथ यूनिवर्स कहीं ना कहीं जस्टिस करेंगे। पहले जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ, यहाँ से ज़िंदगी की नई शुरुआत करना आप, ठीक है। तो अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे थे तो डियर बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इनके मन में आप ही हो। बस अभी थोड़ा सा श्योर भी हैं आपको लेके, हर तरीके से बहुत ज़्यादा अहोभाव भी है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स भी हैं। लेकिन है ना, एक बात है कि कुछ है अभी, उसे क्लियर करना है थोड़ा सा। मतलब ऐसे नहीं शादी करना चाहते कि कल को पुलिस आके पकड़ के ले गई कि अभी तुम्हारा डाइवोर्स हुआ नहीं है, तुमने दूसरी शादी कैसे कर ली, या फिर जिसको कमिटमेंट दिया है इन्होंने वो कोई केस कर दे इनके ऊपर, कुछ ऐसा। हम ये नहीं कहते कि यही बात है, करियर को लेके भी हो सकता है, स्टडी को लेके भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ज़्यादातर करके होता है ना ऐसा ही। अब वही चीज़ें मन में याद भी आती हैं, हाँ। तो ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और आगे भी आप दोनों एक होंगे और बहुत अच्छा फ्यूचर है, दोनों बहुत अच्छा फ्यूचर एक दूसरे के साथ जियोगे। पाइल नंबर वन में जब हमने देखा ना, कोई फ्यूचर ही नहीं था, कोई फ्यूचर नहीं था, बस झूठ, धोखा, फरेब, चीटिंग, ये सारी चीज़ें थी। पर इधर ऐसा कुछ नहीं है, इधर तो प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार है, बहुत प्यार है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, ये समझ लीजिए। आप गिनते गिनते थक जाओगे, इतने आशीर्वाद मिलने वाले हैं आपको यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो डियर, ये बात सच है और 100% सच है कि आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे। हाँ, इस रिश्ते का फ्यूचर है, ठीक है। और बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सारी परेशानी ईश्वर को सौंप दीजिए। जो काम आपको बड़ा लग रहा है ना, वो भगवान के लिए बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, वो तुमसे बड़ा है, मुश्किलों से बड़ा है, वो अपने आप सब देख लेगा, बस एक बार सरेंडर कर दो, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। क्योंकि देखिए, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे, बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।